आपने पूछा है कि हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक उपाय बहुत सार्थक और अच्छा उपाय है जो कोई भी प्रयोग में ला सकता है। एक चौकोर दीपक ले लें, या तो आटे का दीपक बना लें या चौकोर दीपक, जिसके चार जो स्क्वायर शेप का होता है, ये कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसा एक दीपक ये है। ये दीपक आप देख रहे हैं, इसका भी उपयोग बताएंगे, ये कुबेर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसका बाद में बताएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर ये दीपक आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 100 ग्राम की कैपेसिटी का दीपक होना चाहिए, उसके चार कोने होने चाहिए, 1, 2, 3 और 4। इसमें फिर आप एक कलावे की बत्ती को रखेंगे बीच में, जिसके एक सिरा इधर से इधर आ जाएगा, एक सिरा कलावे का इधर से इधर आ जाएगा। थोड़े से चावल डाल देंगे, यानी कि कलावे की दो ही बत्तियाँ होंगी लेकिन उनके चार मुख हो जाएंगे, और थोड़ा सा चावल उस कलावे की बत्ती के ऊपर आप रख देंगे ताकि वो बत्तियाँ प्रेशर से, वेग से, तेल के वेग से ऊपर उठ करके दिया शांत ना हो जाए। दिया लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है आपने, या आटे का दीपक घर में बना सकते हैं। कलावे की बत्ती प्रयोग कर रही है क्रॉस करके, इधर से उधर, उधर से इधर, चार सिरे हो गए। अब इसमें करना क्या है, चमेली का तेल भरना है। चमेली का तेल, जैस्मिन ऑयल, अगर शुद्ध चमेली का तेल मिल जाए तो बहुत उत्तम है, और वरना चमेली के जो एसेंस आते हैं, जो उसकी रूह आती है, उसको भी आप सादे तेल में डाल सकते हैं। तो इसको ऐसा करें, चमेली का तेल साधारण रूप से सब जगह उपलब्ध हो जाता है। चमेली के तेल से भरना है इस दीपक को, लगभग 100 ग्राम की कैपेसिटी का, जो 1-2 घंटे, 2-2.5 घंटे, 2.25 घंटे मंदिर में जले। अब इसके बाद आपको जाना है किसी हनुमत पीठ में, किसी हनुमान जी के ऐसे प्राचीन मंदिर में, या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ हनुमान जी की का मुख्य मंदिर हो, और बाकी देवी देवता भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हनुमत पीठ हो तो अच्छा माना गया है। ये आपको करना है शाम को 4 बजे से 7 बजे के मध्य, दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। अगर किसी के कोई गांव, कोई गली, कोई देश का, किसी दुनिया का हिस्सा ऐसा है कि जहाँ हनुमत मंदिर नहीं है, तो हनुमान जी की एक ध्वजा ले लें, जिस पर हनुमान जी का चित्र लगा हो, जय श्री राम लिखा हो, उस ध्वजा को किसी पेड़ पर बांध दें। पेड़ नीम का नहीं होना चाहिए, नीम का और आपका कांटेदार बेरी का पेड़ नहीं होना चाहिए, नीम का नहीं होना चाहिए, कड़वा पेड़ ना हो, मीठे फलों का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, ऊंचा पेड़ हो, उस पर बांध दें, या किसी पर्वत या ऊंचाई पर भी बांध सकते हैं उस ध्वजा को, और उस ध्वजा के नीचे फिर इस दीपक को रख करके आप इस दीपक को प्रदीप्त करें। ये करना है मंगल शनि, मंगल शनि मंगल, मंगलवार से शुरू करेंगे, शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच मंगल को करेंगे, फिर शनिवार को करेंगे, फिर मंगलवार को करेंगे, फिर शनिवार को करेंगे, फिर मंगलवार को करेंगे। 5 बारी आप इस दीपक को जैसे ही प्रदीप्त करेंगे, आपका जो धन या जो राशि या जो ऐसी चीज़ें, ऋण है, किसी को कर्जा दिया हुआ है और उसकी प्राप्ति में कुछ आनाकानी हो रही है, तो उसकी प्राप्ति का संयोग बनने लगेगा। एक तो इस उपाय में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं साथ साथ, कि अगर और कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं बैठे हैं, बजरंग बाण पढ़ने ना बैठ जाए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना संकल्प दोहराएं कि मैं परमात्मा आपसे ये चाहता हूँ, ईश्वरीय शक्ति मैं आपसे ये चाहता हूँ, और उनका दाहिना पैर जो धरती पर टिका है, बायां पैर, जैसे उनकी जो चित्र प्राय मिलता है मंदिरों में, उसमें उनका दाहिना पैर जमीन पर लगा होता है और बायां पैर उठा होता है और पर्वत होता है, संजीवनी बूटी उनके हाथ में होती है, तो उनका जो दायां पैर जमीन पर टिका है प्रतिमा में, मूर्ति में, उससे थोड़ा सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगा लेना है, या तो स्वयं ये कर लें, या वहाँ जो प्रीस्ट और पुजारी हैं उनसे निवेदन कर सकते हैं, वो जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, वो फिर छोटा सा तिलक आपको दे देंगे, और तिलक को अपने माथे पर लगा सकते हैं, या किसी कलावे पर लगा करके उस तिलक को अपने दाहिने हाथ में बांध कर रख सकते हैं। 5 बार के प्रयोग में ही ईश्वर ने चाहा तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। अगर फिर भी आपका मन ऐसा करता है कि आप कुछ पाठ करना ही चाहते हैं, वहाँ बैठकर कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा पाठ आता है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का, उसका पाठ आप कर सकते हैं। वो पाठ जो श्री सूक्त पुस्तक जिन लोगों के पास है, उसमें 82 नंबर पेज से लेकर के और वो 84 नंबर पेज तक जाता है, या 3 पेज में वो आता है, और पाठ इस तरह है। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋण हरता धन प्रदा, स्थरासनो महाकाय सर्वकाम विरोध का, लोहितो लोहिताक्ष सामगानाम कृपाग्रह, धरात्मजा कुजो भूमो भूतिदो भूमि नंदन,
अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारका वृष्टे कृतापहर्ता च सर्वकाम फलप्रदा एतानि कुजनामानि निद्यम या श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते तस्यं धनम शीघ्रम आपुण्यात् अरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति संप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमंगारकस्येत तत्पठनीयं सदा नर्भिः धनातेषां भौमजा पीड़ा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन भक्त वत्सला त्वाम नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशयः ऋण रोगादि दारिद्र्यम ये चान्य चापनत्यवः भय क्लेश मनस्ता बानश्यन्तु मम सर्वदा अतीव क्रदुराराध्य भोग मुक्त जिदात्मनाम तुष्टो ददासि साम्राज्यम रुष्टो हर्षि ततक्षणात् प्रंच शक्र विष्णुनाम मनुष्यनाम तु का कथा तेन तम सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धन मम देहि त्वामस्मि शरणम गतः ऋण दारिद्र्य दुःखेण शत्रुनाम च अभयात्ततः एवि द्वादशभिः श्लोकैः स्तौति च धरासुतम् महितिम् श्रियमाप्नोति हे प्रोधनदो युवाः। ये स्कंद पुराण के भार्गव प्रोक्तम अध्याय से आता है जिसमें ऋण मोचक मंगल स्तोत्र की पूरी एक विधि वर्णित की गई है। इसका पाठ आप कर सकते हैं और आप अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो जो पाठ मैंने यहाँ लगाया है इसको आप बजा सकते हैं, इसको आप सुन सकते हैं, तो ईश्वर ने चाहा तो आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। इसमें प्रत्येक बार आपको नया दीपक ही प्रदीप्त करना है, नया दिया ही चुनना है। मिट्टी का दिया जो चुनेंगे हर बार उसको बदलेंगे, नया दीपक लगाएंगे और हर बार ही लगभग 100 ग्राम के आसपास चमेली का तेल लेकर आपने जाना है। और चमेली के तेल को आप हनुमत परिसर में कहीं भी लगा सकते हैं। कुछ मंदिर में हो सकता है कि जो प्रिष्ट पुजारी अंदर हैं, क्योंकि कभी कभी चमेली का तेल का दीपक थोड़ा धुआं देता है तो वो थोड़ा मना करते हैं कि अंदर मत रखिए, हनुमत परिसर में कहीं भी रख दें तो वहाँ से भी ये लाभ देगा। और ये जो मैंने सारी चीज़ें अब बाकी वीडियो में आपको हम बताते हैं कि प्लकर रखें, ये रखें, अगर वो भी साथ में रखेंगे तो उसकी जो बत्ती थोड़ी ज़्यादा कम है उसको सहारने में आपको मदद मिलेगी, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें अश्विनी जी एक बात का और ख्याल रखिएगा कि प्राय हम कभी कभी चीज़ों को समझने में गलतियाँ करते हैं, या हमने किसी पार्टनरशिप में धन लगा दिया या किसी और उद्देश्य से धन लगा दिया, या हमें लगता है कि हम इस कार्य में साथ मिलकर के कुछ और पूर्ति कर सकेंगे। वहाँ के लिए फिर ये उपाय नहीं है, वहाँ दूसरी चीज़ काम करेगी, क्योंकि वहाँ आपका संकल्प और मंतव्य कुछ और था जिस समय आप धन निवेशित कर रहे थे, जब आप धन दे रहे थे, लगा रहे थे। ये विशुद्ध रूप से जो ऋण के रूप में लिया गया है, जो कर्जा लिया गया है, जिसको किसी ने आपसे उधार मांगा है, उसमें ये प्रभावी रूप से कार्य करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में कुछ और योजना रखते हैं और उस योजना के चलते भी लोगों को उपकृत करते हैं, उन्हें ओबलाइज करते हैं और फिर मानने लगते हैं कि कर्जा हमारा उसकी तरफ है या हमें कम मिले, इसमें अंतर आ जाता है। तो ये संकल्प आपका विशुद्ध रूप से ऋण की दिशा में काम करेगा, जहाँ आपसे किसी ने धनराशि बतौर उधार ली है और वो दे पाने की क्षमता में अगर नहीं है तो उसकी क्षमता भी विकसित होने लगेगी और वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे संकेत बनने लगेंगे जिससे आपको अच्छा लगेगा। बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक आशीष, हमेशा प्रसन्न रहिए। ओम स्वस्ति अस्तु।